हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू माय चैनल मॉन्टेसोरी किड्स। आज की हमारी एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि आप भी देख सकें कि ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों को आप कैसे प्ले करवा सकते हैं। बेसिकली ये एक गेम है, तो मैंने ये गेम घर पर ही बनाई है। आप भी इजिली इस गेम को घर पर बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते रहें। ये गेम मैंने घर पर ही बनाई है, आप भी इसको ईजिली घर पर बना सकते हैं। अगर आपको स्नेक नहीं बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स बना दिया आपने, उसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स लिख दिए लाइन वाइज, ए टू जी तक मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। इस गेम में बच्चे को क्या करना है, जैसे हम लूडो प्ले करते हैं वैसे ही इसको हमें प्ले करना है। बच्चे को लूडो भी प्ले करनी आ जाएगी और वो इस गेम को जब प्ले करेगा तो उसको अल्फ़ाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन और नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन भी उसको अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है किया है मैंने, यहाँ पर हर ए टू जी तक मैंने यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं और हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिया है, ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे और बच्चे को सारे कलर्स अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएं। तो देखते हैं इसको कैसे हमें प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने टू प्लेयर्स के लिए यहाँ पे मैंने टू कॉइन्स या टोकन्स ले लिए हैं लूडो के, और ये एक मैंने डाइस ले लिए हैं। तो सिक्स पे आप बच्चे को बताना कि जब सिक्स नंबर आएगा, जब वो डॉट्स काउंट करेगा, आप उसको बताना कि ये काउंट करा है कैसे आपने। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो इजीली इस गेम को प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर ये सिक्स आया है, हम बच्चे को बताएंगे कि जब सिक्स आता है तो हम अपनी जो कॉइन है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं येलो के लिए मैंने ये टर्न चली है, सिक्स पे मैंने ओपन किया। अब आगे देखते हैं क्या आता है, फोर। तो यहाँ पे जो है बच्चा चलेगा फोर, वन टू थ्री फोर। तो कहाँ पर आए हैं हम, ये डी पर। आप बच्चे से पूछते रहना साथ साथ, एट विच अल्फाबेट हैव यू रीच्ड, तो वो बताएगा कि डी। एंड आप उससे साथ ही साथ कलर भी पूछ सकते हैं, विच कलर इज दिस, तो वो बताएगा पर्पल। ये सिक्स आया है रेड के लिए, तो ये ओपन हो जाएगी और थ्री, वन टू थ्री फाइव। येलो चलेगा फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये हम आ गए हैं आई पर, सिक्स एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इससे बच्चे का मेमोरी पावर भी बूस्टअप हो जाएगा, उसको गेम भी प्ले करनी आ जाएगी और आप उससे साथ साथ अल्फाबेट्स और कलर्स भी इजीली पूछ सकते हैं। तो ये आया है वन येलो के लिए, फोर आया है रेड के लिए, वन टू थ्री फोर, ये वन। तो जो भी प्लेयर पहले जी तक एंड तक पहुंच जाएगा, फिनिश तक, तो वो विनर हो जाएगा इस गेम का। और तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या आपको मेरा आइडिया इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।